वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस घर बैठे शुरू करें और कमाएं लाखों रुपए। ये तो हम पिछले एक साल से बात कर रहे हैं कि कोविड से बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत से बिजनेस बंद हो गए। अगर हम रोजगार की बात करें तो कोरोना जैसी गंभीर महामारी के चलते नई जॉब ढूंढना और नया बिजनेस शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। ऐसे में यदि हम ये कहें कि घर बैठे आप अपने शौक और टैलेंट से लाखों कमा सकते हैं तो आप कहेंगे क्या ये सच है? जी हाँ, ये एकदम सच है। यदि आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, कैमरा आपके मित्रों जैसा है और आपको फोटो लेने की सभी टेक्निक्स आती हैं तो आप अपने कैमरे से लाखों कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप घर बैठे वेडिंग शूट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी लॉकडाउन के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। वेडिंग शूट बिजनेस क्या है? शादी से जुड़े हर एक मूवमेंट को प्रोफेशनल तरीके से अपने कैमरे में कैद करना और जिसके लिए कुछ पैसे लेना वेडिंग शूट बिजनेस है। आजकल वेडिंग शूट का चलन बहुत अधिक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, हनीमून शूट आदि से जुड़े फोटोग्राफ्स की भरमार है। ऐसे में यदि आप इस आइडिया को लेकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो ये बेहद कामयाब बिजनेस बन सकता है। वेडिंग शूट बिजनेस कैसे शुरू करें? इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये तय करना है कि आप बिजनेस किस स्तर पर करना चाहते हैं। पहला, छोटे स्तर पर। इसमें आपको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बस एक कैमरा लेना है और अपने कॉन्टैक्ट वालों से संपर्क करना है, सोशल मीडिया पर अपने फोटोज पोस्ट करने हैं और वेबसाइट बनाना है जहां से लोग आपसे संपर्क कर सकें। दूसरा, बड़े स्तर पर। इसके लिए आपको एक जगह का चयन करना है। आप इसे घर पर भी शुरू कर सकते हैं, अकेले भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप इसे एक कंपनी यानी स्टार्टअप की तर्ज पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ब्रॉड लेवल पर काम करना होगा, जैसे अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी होगी जहां से आपको ऑर्डर मिले, साथ ही आपके बारे में लोग जानेंगे। अपनी कंपनी का नाम सोचना होगा जिस नाम से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएंगे, एक टीम बनानी होगी, सेटअप पर काम करना होगा जो कि थीम वाइज होगा, बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा, बिजनेस लाइसेंस आदि लेने होंगे। आगे वीडियो में आप जान सकेंगे कि कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। सर्वे करें, बिजनेस प्लान करें। बिजनेस शुरू करने से पहले एक सर्वे करें, लोगों की आवश्यकताओं को समझें, खासकर जब आप ऐसे मौके पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं जहां चारों तरफ महामारी का खौफ है। ऐसे में लोगों की जरूरतों को समझना और भी आवश्यक है। याद रखें, आपदा में अवसर ढूंढना ही बिजनेस को सफल बना सकता है, क्योंकि अनगिनत फोटोग्राफर बाजार में है, अनगिनत फोटोग्राफर आर बेरोजगार हैं। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि कैसे हम वर्चुअल वेडिंग की तरह फोटोग्राफी बिजनेस भी ऑनलाइन ले जाएं। बिजनेस प्लान अपना बजट देखकर बनाएं। यदि आपके पास अधिक बजट नहीं है और सिंगल मैन पावर है तो ये प्लान लिहाज से बनेगा। यदि आपके पास बजट अधिक है और आप इस बिजनेस को एक कंपनी के स्तर पर खोलना चाहेंगे तो प्लान ब्रॉड लेवल पर बनाएं। फोटोग्राफी बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी आइटम्स, सबसे ज़रूरी चीज़ है कैमरा, जिसके बिना इस बिजनेस को करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में यदि आप कैमरे को लेकर लापरवाही करते हैं या कंजूसी करते हैं तो समझ लीजिए आप अपने बिजनेस के साथ हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि आपके बिजनेस का मुख्य किरदार आपका कैमरा ही है। इसलिए कैमरा लेते समय बेहद सावधान रहें। लाइट्स, फोटो और भी खूबसूरत तब आती हैं जब प्रॉपर लाइट्स हों, तो लाइट्स पर भी अच्छा काम करें। सेटअप, अपना खुद का एक सेटअप तैयार करें जिसमें अलग अलग थीम आप डिसाइड कर सकें। डिजिटल बनाएं अपना बिजनेस। कोविड महामारी से हम सब ने एक चीज़ सीखी है, यदि ऑनलाइन रहने वाले बिजनेस हर साल में सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे में आप अपने बिजनेस की शुरुआत ही डिजिटल से करते हैं तो वो आपके बिजनेस के भविष्य के लिए बहुत सुखद है। वेबसाइट क्रिएट करें, अपने बिजनेस से जुड़ी एक वेबसाइट बनाएं जहां आपके द्वारा शूट किए गए वीडियोज़ और फोटोज़ हों। इस वेबसाइट में आपसे संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें। आप चाहें तो इस वेबसाइट को एडवांस बना सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग वगैरह। ऐप बनाएं, यदि आपके पास अच्छी खासी पूंजी है और लोग हैं जो ऐप बना सकते हैं तो आप अपनी सर्विस को लेकर एक ऐप भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर बिजनेस करने जैसा है जहां बहुत से कर्मचारी हैं, कुछ ऐप से संबंधित काम कर रहे हैं तो कुछ ऑर्डर से संबंधित बाकी लोग शूट पर लगे हुए हैं। ये आइडिया ज़रा ब्रॉड लेवल पर है, इसलिए यदि आप एक बहुत बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप इस तरह से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लाइसेंस और पंजीकरण, यदि आप छोटे स्तर पर इस बिजनेस को करते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी तरह के पंजीकरण और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के बारे में अधिक जानकारी निकाल लें। यदि आप इस बिजनेस को थोड़ा बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको वेबसाइट बनाने की आवश्यकता है जिसमें आपको अपने बिजनेस के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। एक स्टार्टअप और कंपनी के तौर पर बिजनेस करने के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस की आवश्यकता होगी। वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, बिजनेस नाम रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण, प्रॉपर प्रोप्राइटरशिप जैसे कि व्यावसायिक टैक्स पंजीकरण, GST पंजीकरण, दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण आदि। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें।
लागत और प्रॉफिट, छोटे स्तर पर बिजनेस। इस बिजनेस में कैमरा सबसे आवश्यक चीज है, इसलिए इसे सबसे अच्छा होना चाहिए। तो एक कैमरा 1,50,000 से लेकर 3,00,000 तक आ जाएगा। ये सबसे उत्तम क्वालिटी वाले कैमरे के प्राइस हैं। आप चाहें तो सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी की लाइट्स, अन्य उपकरण, लैपटॉप, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट आदि, इसमें सब में कुल मिलाकर 1,50,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। यानी कि आप 3 से 4 लाख में इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए आपको कैमरा, लाइट्स, मार्केटिंग आदि में अधिक खर्च करना पड़ सकता है। फिर भी इस बिजनेस को बड़े स्तर पर 5,00,000 से 15,00,000 रुपए तक शुरू कर सकते हैं। वहीं प्रॉफिट की बात की जाए तो आप इस बिजनेस में लागत के 50% तक का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। याद रहे, आपकी फोटोग्राफी इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आप अपने फोटो और वीडियोस में पैसा बनाएंगे, इसलिए आपके द्वारा क्लिक किया गया हर लम्हा बेहद खूबसूरत होना चाहिए। टीम बनाने पर ध्यान दें। टीम बनाते समय उनके टैलेंट को सर्वप्रिय रखें, क्योंकि आपके बिजनेस में टैलेंट ही सबसे आवश्यक है। टीम में हर तरह के टैलेंट से जुड़े व्यक्ति हों, जैसे कि कैमरा पर्सन, लाइटिंग अरेंजमेंट वाला, सेटअप तैयार करने वाला, थीम डिज़ाइन करने वाला आदि। ध्यान देने योग्य बात, आप अपने स्टाफ को मैनेज करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जानिए कैसे अपनी दुकान के स्टाफ को कैसे आसानी से मैनेज करें। स्टाफ को मैनेज करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन स्टाफ के साथ आप अपनी टीम और स्टाफ को बेहद आसानी से मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ की सैलरी, उनकी अटेंडेंस बहुत ही आसानी से मैनेज की जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से आप सभी कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। इसमें बिना किसी समस्या के आप हर एक कर्मचारी को उसका काम, छुट्टी, बोनस, परफॉर्मेंस, सैलरी आदि बता सकते हैं बस कुछ ही क्लिक्स में। खास बात यह है कि स्टाफ काफ़ी सारी लोकल भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु आदि, इसलिए आपको भाषा से जुड़ी समस्या नहीं होगी। स्टाफ ऐप के बारे में अधिक जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी स्टाफ वीडियो का लिंक पा सकते हैं। स्टाफ को बेहद आसान तरीके से मैनेज करने के लिए अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। स्टाफ ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।